उत्तर भारत में बनार तांडव जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में बादल फटा वर्षा छह जन मृत्यु तीस अधिक निखोज उद्धार कार्य सेना एनडीआरएफ टीम हिमाचल प्रदेश में बन्या जो नौ मृत अनेक निखोज मोदी विरोध में ममता बांधुं मेली कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेटिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री कहे बीजेपी को परास्त करने को समस्त को पड़े एकाठी एवटे पेगास तदंत मामलें एकाठी हेले विरोधी दूरे रहा बीजेडी मैट्रिक पर आसुची कोरोना काल युक्त दुई रिजल्ट जुलाई 31 तारीख में प्रकाश पाव विज्ञान वाणिज्य फल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष सूचना यापर शीघ्र प्रकाश पाव कला और धंदामूलक पाठ्यक्रम रिजल्ट प्रेमरा लगला नहीं आ स्पिरिट ढाली प्रेमिका को पड़ा प्रेमिक अभियुक्त प्रेमिक गिरफ मृत्युकालीन बयान लोमहर्षणकारी कहानी कहे पीड़िता गंजाम पुरुषोत्तमपुर घटनास्थल में पहुंची पुलिस छानबीन मेडिकल कॉलेज रे नर्सिंग फार्मासी फिजिओथेरापी और अन्य पारामेडिकल कोर्स आरंभ हो पाठपढ़ा ऑनलाइन में हो थ्योरी क्लास छोट छोट भाग में विभक्त करी करा जिबो प्रैक्टिकल क्लिनिकल क्लास सालेपुर अंचल अवसरप्राप्त शिक्षकों 22 वर्ष पर मिला न्याय मासक भितर सुधमूल अवसर कालीन प्राप्य देवा हाइकोर्ट दे निर्देश 11 वर्ष तलु प्राण हर मूल आवेदनकारी पत्नी लड़ुते मामला राज्य में नुआक गढ़ी उठ 4000 नुआ ग्राम जिलापा चिठी लिखि पदक्षेप ने राजस्व विभाग निर्देश गां बढ़े बढ़िपे पंचायत संख्या पंचायत निर्वाचन को दृष्टि रखी प्रस्तुत होती कि सरकार वर्षा अभाव समस्या पर सार संकट बढ़ाला चाषी को चिंता के अभावी बिक्री तो क्यों अच्छे शोषण अभोग सारा राज्य में समान स्थित को नहीं चिंतार कृषि विभाग उत्तर भारत में तांडव रचुची वर्षा विभिन्न स्थानों हिमाचल प्रदेश कथा कहतु जम्मू कश्मीर कथा कहतु उत्तराखंड कथा कहतु बादल फटा वर्षार विपद देखा मिली जुआड़े चाहब खाली पानी आउ पानी मुसलाधार वर्षा आउ पहाड़ ऊपर भूस्खलन होतड़ा अतड़ा माटी धसई आसुची पानी माड़ी आसुची जनबसती गाँ गंडा सबू कि उजुड़ी जा जानी हेउनी जे वर्तमान समय रे एमिति गोटे स्थिति हेछि भूस्खलन होउछि पानी एमिति मात्रा रे प्रखर स्रोत रे सब किछि भसै देउछि चिन्ह हेउनाई जे केउटा केउ अंचल एमिति विभिन्न स्थान रो चित्र आमे आपन को देखैबो आगु को जाय कि जे किभली भाबर रे वर्षा केदि विपात रछि छि आपन माने जानि छथि उत्तराखंड रे अनेक समय रे आमे देखु बादल फटा वर्षा होए बादल फटा वर्षा जको केमिति प्रलय हेतला उत्तराखंड रे ताहा बे आपन माने देखि छथि जे किमिति वर्षा तांडव रचितला किंतु वर्तमान समय रे भी सेमती उत्तर भारत रो बादल फटा वर्षार चित्र आसे केमती तांडव रचि बादल फटा वर्षा विशेषकर हिमाचल प्रदेश आ जम्मू कश्मीर ए दुईट स्थान चित्र आखिपे जे वर्षा केमी वित्पात रचि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर विभिन्न अंचल एमती गोटे भयंकर रूप धारण करछि प्रकृति बादल फटा वर्षा जो उपरमंडल प्रखर गति में जेहेतु जलस्रोत माड़ आसला यह प्रखर स्रोत सामन जहाँ पड़ा ताकू से तास घर भली भांगिबा सहित माटी रे मिसाई देछि भूस्खलन घटी भयंकर स्थिति सृष्टि करछि विभिन्न नदी रे जलस्तर बढ़िबा सहित बन्या परिस्थिति भी सृष्टि होइछि जम्मू कश्मीर दे प्रवाहित होउतबा चेनाब नदी हेउ कि हिमाचल प्रदेश दे प्रवाहित होउतबा ब्रह्म गंगा नदी रो जलस्तर विभिन्न जहाँ कि जलस्तर विपद संकेत उपर वर्तमान समय प्रवाहित होउछि आ अचानक जलस्तर जेहेतु बढ़ी जाइछि सेतिपे अनेक स्थान रे व्यापक क्षय क्षति घटाइछि जम्मू कश्मीर रि विभिन्न अंचल उपर आम नजर पकेबा जे पुंछ अंचल दृश्य को टे देखु जमती कि पानी केमती रही पुंछ अंचल तले बादल फटा वर्षार तांडव आप देखुं किंतु आकाश में मध्य खंड खंड बादल देखा जाउछि आकाशे जो खंड खंड बादल देखा जाउछि बादल फाटी पुंछर पहाड़ उपर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होइछि आ पहाड़ उपर प्रबल वर्षा हेबारु पानी माड़ी आसछि देखो कमी पानी प्रखर स्रोत में वर्षा जल माड़ आसुची पानी माड़ आसवा पर विभिन्न नदी जलस्तर बढ़िया सहित तलमुंडे वित्पात रचि अर्थात उपर मुंडे वर्षा आउ तलमुंडे वित्पात जम्मू कश्मीर रजौरी दृश्य मध्य वर्तमान समय आम आपको देखू रजौरी देखते कमी दृश्य जे केमती नदी जलस्तर भयंकर रूप से धारण करती पहाड़ उपर जिते बन्या पा वर्षा पा आसुची नदी जलस्तर बढ़िया सहित प्रखर गति में पा प्रवाहित हो नदी में आसवे प्रखर बन्या नदीकूलिया लोकों मध्य आतंक सृष्टि करे गंदेरवाल डोडा भली अंचल भी परिस्थिति आहुरी भयंकर होती
चेनाब नदी जलस्तर को यदि आप देखिए विपद संकेत उपर प्रवाहित होदीर जलस्तर अधिक रही केवल विपद संकेत उपर प्रवाहित होनी बर नदी में जल मिशा पूर्व जलस्रोत सम्मुखें पड़ता अनेक स्थान जोठार कि बादल फटा वर्षा व्यापक क्षति करा जो किस्तवाड़े छः जनकर जीवन जा नहीं सूचना आसत तीस अधिक लोक वर्तमान समय निखोज थी नहीं जहाँ तथ्य आसे उत्तर भारत में बना परिस्थितर चित्र आप देखुं हिमाचल प्रदेश कथा जो देखा कुल्लू लाहौल स्पीति विपात रचि प्रलयंकारी वर्षा वर्षा जो नौ जनकर जीवन जात जन निखोज अच्छा प्रशासन पक्षर उद्धार कार्य जारी रही उत्तराखंड में बना विपात देखा मिली प्रबल वर्षा जो गंगा नदी में बना आसवर स्थानीय लोक मैंने प्रभावित होती हरियाणा और दिल्ली में भी जनजीवन यह द्वारा प्रभावित हो तबे कौन बादल फटा वर्षा अल्प समय अवधि में अत्यधिक वृष्टिपात जहाँ हुए ताकु बादल फटा वर्षा कहा जाए जदि गोटे घंटा मध्य 100 मिलीमीटर बा 3.9 इंच परिमाण वर्षा होती बादल फटा वर्षा कह जाए जहाँकि आम अनेक समय उत्तर भारत में यह वर्षा अधिकांश होता है जहाँ आम देखू उत्तराखंड में चित्र आसे अर्थात स्वल्प समय एक मिनिट्रे एक मिलीमिटर अधिक वर्षा होगा कहुए बादल फटा वर्षा जदि एक मिनिट्रे एक मिलीमिटर तेल भावतु के वर्षा होता है जदि अधिक समय धरी घंटा को 50 मिलीमिटर अधिक वर्षा हुए क्लाउड ब्रस्ट बादल फटा वर्षा कहुए जदि समुद्र उष्म जलीय कणा उत्तर दिग्क गति कै और अत्यधिक थंडा वायु संस्पर्श आसे तेब एमती बादल फटा वर्षा होता है एमती वर्षा जो फ्लाश फ्लड बा अचानक बन्या सृष्टि हुए साधारणत तो उत्तर भारत में बादल फटा वर्षा अनेक समय होता है 2021 मे 12 तारीख में जदि आम देखा तो जो भाई भाव चमोली रे जहाँ कि मे 12 तारीख जानी जे चमोली जिले में बादल फटा वर्षा होता आउ जो भली भाव ता विपात रची जे भूस्खलन होता है बादल फटा वर्षा एत मात्र होता है तबे जदि आम देखा तो पूर्व दिन गुड़िक 2018 केमती मे मस 4 तारीख में कर्णाटक बेलगावी बादल फटा वर्षा होता बादल फटा वर्षा जो घंटा को 98 मिलीमीटर वर्षा होता है तेज 2017 जुलाई 20 कथा जो देखा जम्मू काश्मीर डोडा जिले में बादल फटा वर्षा जो 6 जनकर मृत्यु होता 2017 जुलाई 5 तारीख में उत्तराखंड हरिद्वार में बादल फटा वर्षा होता आ घंटा को 102 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर 2016 मे 8 तारीख में उत्तराखंड चमोली जिले में बादल फटा वर्षा होता विपात रचि बादल फटा वर्षा जदि आप देखते उत्तर भारत में खासकर पहाड़ी इलाकर हिमाचल प्रदेश कथा कहतु उत्तराखंड कथा कहतु एठारे अनेक समय बादल फटा वर्षा होता है अचानक बादल फटा वर्षा होगा जो प्रबल मात्र वर्षा होवु अचानक बन्या आसी थाए जनजीवन यहाद्वारा प्रभावित होता है प्रेमिक पलटिगला राक्षस संपर्क आरंभ है प्रेमरु आउ सरला निरे गंजाम पुरुषोत्तमपुर अंचल जो चांचल्यकर खबर आ सतरे केवे विश्वास करहबन मनरे प्रश्न उठिब सभ्य समाज रे सतरे कौन जड़े शिक्षित युवक ये कर विश्वास विश्व दे कथा हेबा बाहाना रे डाकी प्रेमिका को स्पिरिट ढाली निया लगाई देछि प्रेमिक युवती को पोड़ी मारिदे घटन अभियुक्त प्रेमिक को गिरफ्त कर पुलिस एने थाना रे मामला रुजु होगा सहित घटनास्थल अनेक जिनस जबत कर पुलिस किछि वर्ष आगरु सब किछि ठीक ठाक थिला बंधुत्व थिला बंधुत्वर प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला हेले 6 वर्ष भितरे एही संपर्क रे एमिति किछि घटिगला जे प्रेम रे लागिला निया पोड़ी गला प्रेमिका प्रेम रे बुझामणार अभाव केते बड़ अघटन घटाई पारे तार जो चित्र पुरुषोत्तमपुर आसी देखिले देह थरी उठिबो प्रेम रे जीत एवं जीत रे बाहा हेबा को केंद्र करी जीवंता जली जाइछि प्रेमिका आउ ए जघन्य कांड पई संपृक्त युवक को दायी करिछि युवती दुनिया रु विदा नेबा पूर्वरु जे मृत्युकालीन जमानबंदी रेकर्ड होइछि ताहा प्रेमरा आउ एक करुण कहानी बयान करुछि
कृष्णनंद साहू हां मां रत्तावरो हां गौड़ा साई हां कौन कौन बे तते इठी कानला मते से भलो लागछे भलो पाउची तते निया लगेला इठी तते से निया लगेला लगला सूचना अनुसार प्रतापपुर कृष्णचंद्र साहू और सदाशिवपुर पीड़िता युवती 2015 मसीह ब्रह्मपुर एकाठी पढ़ुते उभा प्रेम संपर्क गढ़ी उभय चाकरी करने बहुत करने निष्पत्ति भी नहीं एमतीक 2017 मसीह उभय अभियुक्त और पीड़िता घर छाड़ पलै किदिन पुअर पर बुझाई सुझाई फेराई आनी पुओ को अन्त्र बाई स्थिर कर गोटे लेडीजटे पड़ गई खबर पाइल इमिडियेटली आम आम टीम पुलिस गाड़ी आम से प्रोसीड कलु सेठे आम आ अपेक्षा न करी आम गाड़ी में तुरंत से जो इंजोर्ड जी से लेडीज को आग आम गाड़ी में आम मेडिकल सिफ्ट कलु मेडिकल सिफ्ट कलापर से डॉक्टर रेफर कले फिजिक सेठे आम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जी तहसिलदार अच्छा सी मत बयान रेकर्ड कले जना पड़ा जे आमर से ग्राम जन व्यक्ति प्रतापपुर ग्राम जो से लेडीजटी मिलता उधार होता ता सहित ग्लोब एफेयर्स थिला तेणुकर से डाकी तर बंड हो जना पड़े बर्तमान से तदंत परिसरभुक्त अच्छी पुअर अन्यत्र बाहाघर खबर पाइबा पीड़िता व्यस्त हो पड़े आहार भितर अभियुक्त युवती को प्रतापपुर एक परित्यक्त घर को डाकि पोड़ अभोग अभियुक्त यह खंडन करने मृत युवती मानसिक अवस्था भल ना तांको सान भौणी की पचारन सान भौणी सब जिनस जानते सान भौणी आमर सब प्रॉब्लम सब रिलेशन सब प्रकार जिनस गुड़ाक सी पूरा भलसे जानते भौणीर मेंटली साइकाट्रिस्ट को डॉक्टर को कैपिटल हॉस्पिटल रे देखा ही थिला से निजे मत पॉइजन देते सही रिटर्नली लिखाही डॉक्टर निजे लिखी थे कि द पॉइजन ब्रॉट बाय शुभस्मिता देवी एंड ड्रंक बाय कृष्णा साहू जो जगार कि निज सान भौणी सी निजे आ पीड़ितार बयान एवं अभियुक्तर सफे भितर किंतु घटी जाइछि एक विभत्स कांड पीड़िता को अर्धदग्ध अवस्था रे ब्रह्मपुर हॉस्पिटल भर्ती करा जाइथबा बेले सबुदिन पाई आखि बुझी देइछंती आ मृत्युकालीन जमानबंदी को आधार करी अभियुक्त कृष्णचंद्र साहू को गिरफ करछि पुलिस घटनास्थल पुलिस युवती बैग पानी बोतल एवं मास्क आदि उधार करथिबा बेले तदंत आगक बढ़ाई आसबू भितर किंतु प्रेमर निया लगी प्रेमिका सबुदिन पाई आखि बुझी बोलसरारु अत्रि पटनायक रिपोर्ट कनक न्यूज करोना काल में राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ी आत्महत्या गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष प्रथम छह मास आत्महत्या संख्या आहुरी बढ़ी करोना पर लोके विभिन्न कारण चापरे जो एभली चरम निष्पत्ति नेउथवा विशेषज्ञ कहुथवा बेले अकाल रे लिभि जाइछि अनेक लोकों जीवन दीप देखंतु एही रिपोर्ट करोना काल में कलबोल होउथिबा मनीषर चाप आहुरी बढ़ी जाइछि जेतेबेले तालाबंद जो अनेक किछि ओलट पालट हो जाइछि रोजगार जाइछि आय कमी बेउसा जाइछि रोग खर्च बढ़ी आउ चापरे थिबा मनीष अनेक समय रे चरम निष्पत्ति नेबार एकाधिक नजीर सामना को आसुछि भुवनेश्वर बढ़ुछि आत्महत्या गत वर्ष तुलना रे आत्महत्या बढ़ी कमिश्नर पुलिस तथ्य अनुसार चलित वर्ष जनवरी रु जून 6 मास भितरे राजधानी भुवनेश्वर 151 जन आत्महत्या करी गत वर्ष एही समय सीमा भितरे आत्महत्या संख्या थिला 142 ए वर्षर 151 टी आत्महत्या भितरे तालाबंद समय रे 38 जन आत्महत्या करी मे मास रे 16 जन आत्महत्या करथिबा बेले जून मास रे 22 जन आत्महत्या करी सुसाइड गोटे आधुनिक समाज एक मुख्य प्रॉब्लम हिसाब से उभा आम जी डाटा देखा प्रथम छह मास रे 2020 भुवनेश्वर पाखापाखी 140 सुसाइड केस रिपोर्ट होता एवं 2021 छह मास रे पाखापाखी 150 150
ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ସୁଇସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଲିସର କିଛି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥାଏ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଗା ହୋଇଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। କରୋନା କେବଳ ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ଭୟ ମଣିଷକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଚାପରେ ଥିବା ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚାପ ହୋଇଛି, ଆ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ମାସକ ଭିତରେ ସୁଧମୂଳ ସହିତ ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି ମୂଳ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ 83 ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ, 11 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି ଆବେଦନକାରୀ। ଏହା ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେନି। ସରକାରୀ ନାଲିଫିତା ତଳେ କିପରି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଇଯିବେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିତିଯାଇଛି 22 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ସେତେବେଳକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 1185 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ TBS ସ୍କେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଣି ହେଲାନି। ମୋ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ରିଟାର୍ ଟିଚର। ସେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ 2004 ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପିଲ୍ କଲା 2008। 2018 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲା କେସ୍, ତାପରେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାଟି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ନରଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଟାଇମ୍ ବ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ହାରରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାକୁ 1999 ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। 2004 ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଦରମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅବସରକାଳୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦାଉ ପେଞ୍ଚ। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ 2010 ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ଅଧା ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧା ଖୁସି, କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି, କ'ଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏମିତି କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଜୈନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ବାପା ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ଉନ୍ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ପଇସାଟି ପାଇଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ଅବଶେଷ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାମ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସିଏ ଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। 2008 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ମୀନଲତା ମହାନ୍ତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ। 2018 ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 3 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ସେ 2010 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମୀନଲତା ମହାନ୍ତି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଚାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେ 1185 ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଟିଲ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ 5% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାଇଟିଲମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରଠୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟାଇଟିଲମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଏବଂ 2018-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟାଇଟିଲମେଣ୍ଟ ହିସାବ କରିକି ଦେବ। ୟା ବାଦ 10,000 ଲିଟିଗେସନ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବା ସହ ଆବେଦନକାରିଣୀଙ୍କୁ ମାସକ ଭିତରେ ସୁଧମୂଳ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
सबुठ बड़ कथा हेउची न्याय पाई 22 वर्ष बीती जिबा एवं मूल आवेदनकारी मृत्युर 11 वर्ष पर न्याय मिलिबा सरकारी व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। महांगारु शिवानी कुमार कटकु सौम्यरंजन चौधरी रिपोर्ट कनक न्यूज़।